सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वी आर बैक विद आर अनदर वेरी 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 टेस्टी रेसिपी। सो आज की रेसिपी भी स्पेशली फॉर किड्स है। नहीं, बड़े नहीं खा सकते ऐसा नहीं है, बट इट इज स्पेशली फॉर किड्स। इस डिश का नाम है ओरियो इडली या ओरियो इडली। पता है थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, बट स्टिल एक्चुअली हम इस लॉकडाउन में ओरियो के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, बिकॉज ओरियो बिस्किट इज लव्ड बाय एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। सो ओरियो केक काफ़ी फेमस है। इस लॉकडाउन में मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि वो ओरियो केक ट्राई कर रहे हैं, तो वहीं से मैंने इंस्पायर होकर ये डिश ट्राई की। इसका नाम है ओरियो इडली। और इसके साथ मैं आप लोगों को ओरियो क्रीम से एक सिरप बनाना सिखाऊंगी। इट्स अ काइंड ऑफ चॉकलेट सिरप, जिसे कि आप लोग यूज़ कर सकते हो एज अ सॉस फॉर दैट ओरियो इडली। सो जाने से पहले मैं कुछ टिप्स आप लोग को बता दूं। हम ये रेसिपी ओवन में बनाने वाले हैं, माइक्रोवेव में नहीं, नॉर्मल गैस ओवन में। सो इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स। आप लोगों को हम यहाँ पे इडली मोल्ड यूज़ करने वाले, जो नॉर्मली इडली बनाने के लिए यूज़ होता है वैसे मोल्ड्स। तो नॉर्मली उसके अंदर हम रखेंगे अपनी इडली केक को 45 मिनट्स के लिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आफ्टर 45 मिनट्स आप एक बार इसमें चाकू घुसा के चेक कर लेना कि कहीं चिपक तो नहीं रहा। अगर नहीं चिपक रहा तो इट्स परफेक्टली डन। ठीक है, तो मैंने एस्टिमेटेड टाइम आप लोगों को 45 मिनट्स बता दिया। सो इस तरह से हम करने वाले हैं। सो लेट्स गो एंड चेक आउट आवर रेसिपी। होपफुली आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। सो इस रेसिपी के लिए हम फर्स्ट लेने वाले हैं ओरियो बिस्किट्स। मैंने यहाँ पे 10 रुपये के पैकेट यूज़ किए हैं। आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से कितने भी पैकेट यूज़ कर सकते हो। इसके ब्लैक पार्ट को हमें इसे चूर लेना है। आप इसे मिक्सर में कर सकते हो, फूड प्रोसेसर में कर सकते हो, लेकिन हमें इसको दरदरा ही पीसना है। एकदम फाइन पेस्ट मत कीजिएगा, कुछ इस तरह जैसे मैंने किया हुआ है। और हमारी जो वाइट पार्ट है उसे हमें अलग एक कटोरी में रख लेना है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। सो इस चूरन के साथ हमें ऐड करना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छा इसमें स्वाद आए। कॉफ़ी ऐड करने से इसका एक अलग ही फ्लेवर आ जाएगा। हम यहाँ पे चीनी यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे पिसी हुई चीनी यूज़ कर रहे हैं। आपके पास अगर पिसी हुई चीनी ना हो तो नॉर्मल चीनी को भी आप ग्राइंडर में पीस के यूज़ कर सकते हो। अब हमें इसे अच्छी तरह मिला लेना है और फिर हमें इसमें ऐड करना है दूध। हमने यहाँ पे दूध को थोड़ा सा बॉयल करके यूज़ किया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे अच्छे से मिला लेके एक केक का बैटर रेडी कर लेंगे। अच्छे से मिलाइए इसको और केक का बैटर रेडी कर लीजिए। ये ज़्यादा पतला भी नहीं होगा और ज़्यादा थिक भी नहीं होगा। जो लोग बेकिंग करते हैं उनको पता है किस तरह का बैटर होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी। और जो लोग बेकिंग नहीं करते हैं वो मेरी वीडियो देख के समझ जाए कि उन्हें किस कंसिस्टेंसी की बैटर ज़रूरत है इस डिश के लिए। इसे अच्छे से हमें मिला लेना है, बहुत ही अच्छे से। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर देखिए, जस्ट इसका शाइन। इसमें हम कोई भी मैदा या कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, इससे वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी और काफ़ी टेस्टी हो जाता है और निकालने में भी ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हम इसमें बटर को ऐड कर देंगे। बटर को अच्छे से मिला लीजिए। अगर आप चाहो तो बटर को मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। अब ये हमारे पास ओरियो के बिस्किट के अंदर का जो क्रीम होता है वो है। अब हम इससे जो बनाएंगे वो हम ओरियो इडली के ऊपर एज अ सॉस यूज़ करने वाले हैं। इसमें हमें थोड़ा सा दूध मिलाना है। आप चाहो तो गर्म दूध मिला सकते हो, फिर भी अगर ये मेल्ट ना हो तो आप इसे गैस पर चढ़ा के मेल्ट कर लो। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्रीम में सिर्फ बटर ही बटर आपको मिलने वाला है। क्योंकि मेरा दूध बहुत गर्म है तो ये आराम से इधर ही मेल्ट हो जाएगा। हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। ये मेल्ट होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, तो आपको तब तक इसे मेल्ट करना है। अगर ये नॉर्मली नहीं हो रही है तो आप गैस पे थोड़ी देर के लिए इसे चला लीजिए, तो ये इस तरह से मेल्ट हो जाएगी और कुछ इस तरह की दिखेगी। अब हम ये इडली का एक मोल यूज़ कर रहे हैं, ये नॉर्मली घर पर होता ही है, उस पर हम बटर ऐड कर लेंगे ताकि हमारी केक अच्छे से निकल आए। ये रेडी हो चुका है। अब हम अपना जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड करने वाले हैं।
ये बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई भी बच्चा भी बना सकता है अगर उसको थोड़ा ओवन के पास सपोर्ट मिल जाए तो, बाकी सब काम वो बच्चा खुद ही कर लेगा। ये इतना ज़्यादा इजी रेसिपी है और खाने में भी ये काफ़ी डिलीशियस होता है। अब हम यूज़ कर रहे हैं एक डेयरी मिल्क चॉकलेट, इसे हमें कद्दूकस करके रख लेना है। ये देखिए हमारा मोल्ड में रेडी हो चुका है। इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है, हमारा डेयरी मिल्क चॉकलेट कुछ इस तरह का निकलेगा इसमें से। अब हम इस कद्दूकस हुए डेयरी मिल्क को हमारे उस बैटर में रख देंगे जो कि हमने ओरियो के क्रीम को पिघला के बनाया था। उसका गर्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मेल्ट नहीं होगा। क्योंकि हमने उसे गर्म दूध में मिक्स किया था तो वो गर्म ही रहेगा, या फिर अगर आपने ओवन में उसको पिघलाया तब तो गर्म ज़रूर ही रहेगा। अब हम उसमें हमारी सारी ग्रेटेड चॉकलेट्स को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे काफ़ी देर तक, अराउंड 5 मिनट्स लगेगा आपको। कंटिन्यूस चलाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा, देखिए कितना टेस्टी है। इसे हम ओरियो इडली के साथ एज अ सॉस यूज़ करेंगे और ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है। जस्ट देखिए द शाइन, द लुक कितना ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा, अब हमारे ये ओरियो इडली एकदम रेडी हो चुका है। इसे नॉर्मल इडली की तरह ही हमें पकाना है। ये देखिए चिपक भी नहीं रहा है, मतलब ये रेडी हो चुका है। अब हम उसे निकाल लेंगे। जो हम मैंने मोल्ड यूज़ किया इडली का वो कुछ इस तरह का दिखता है। एंड आवर ओरियो इडली इज़ रेडी। आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो, मेरे पास ये सामान थे तो मैंने इससे डेकोरेट कर दिया। आपके पास कुछ भी हो तो आप उससे कर सकते हो। सो कैसी लगी रेसिपी? ईजी थी ना? पता है बहुत ज़्यादा ईजी है, और इन्ग्रीडियंट सारे घर पर ही मिल जाते हैं। बस ओरियो बिस्किट के पैकेट्स ले आओ, बाकी सब घर पर इन्ग्रीडियंट्स मिल जाएंगे एंड बना लो। इस लॉकडाउन में बाहर से ऑर्डर करना इज़ रियली रिस्की, आई नो। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट रेसिपी लेके आ सकूँ, ताकि आप लोग घर पे बैठ के बोर भी ना हो और बहुत टेस्टी टेस्टी रेसिपी ट्राई भी कर सको। सो प्लीज़ सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी बोलो कि वो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दे। बिकॉज आपको हर बार मैं आप लोगों को वीडियो पे यही बोलती हूँ कि मैं इसमें नहीं हूँ यूट्यूब में, सो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी मैं रोज़ ट्राई कर रही हूँ, मुझे काफ़ी टिप्स मिल रही है कि ऐसा वीडियो बनाओ तो अच्छा होगा, या फिर ये चीज़ें उसमें ऐड करो, और मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से अपने वीडियो में अप्लाई भी कर रही हूँ, तो आप लोगों को दिखा भी होगा कि मेरी वीडियो पहले से बेटर है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि हम कुछ चीज़ें उसमें और ऐडअप कर सकते तो प्लीज़ मुझे बताओ ये सारी चीज़ें, ताकि मैं अच्छे से अपने वीडियो को और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे। Thank you, bye, and we'll be back with our another recipe. So keep supporting, bye.